आरटीआई एसोसिएशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक कैंप कार्यालय मोहल्ला होलीबाला सिबाला रोड पर की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा सीजेआई के दफ्तर को भी आरटीआई के दायरे में आने के लिए घोषणा की, जिसका सभी कार्यकर्ताओं द्वारा दिल से स्वागत किया गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इसमें हम सभी लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के जो जज हैं, जिन्होंने कल फैसला दिया है, इतना सुंदर फैसला, इतना स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला फैसला जो शायद अभी तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने नहीं दिया है। उन्होंने खुद को, अपने कार्यालय को उस दायरे में, आरटीआई के दायरे में लाए हैं, जिसकी शायद किसी को कभी भी संभावना नहीं थी। इसी संभावना के तहत हम सभी लोग ऐसे उच्चतम न्यायालय को, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, वर्ल्ड में भी स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाली, पिछले दिनों जो उसने अपनी जज दी हैं, निर्णय दिए हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। जैसे पिछले दिनों उन्होंने हिंदुस्तान की एकता और सभ्यता के दायरे में लाकर, मतलब राम जन्मभूमि का जो जजमेंट दिया, वो तारीफ काबिल ही नहीं, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला एक अलग बयान है। अलग मतलब उनको जो 1045 पन्नों का लिखकर उन्होंने बयान दिया, जजमेंट दिया, वो जजमेंट शायद इतनी दुनिया को उम्मीद नहीं थी कि इतने सुंदर शब्दों में जजमेंट दिया जाएगा। इसी के लिए हम सभी कार्यकर्ता बंधु उनके लिए धन्यवाद देते हैं और ऐसे जजों के लिए उम्मीद करते हैं कि भगवान उनकी सद्बुद्धि और सद्भावना हमेशा सही रहे।